हम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौड़क के विद्यार्थी राज्य स्तरीय कला उत्सव में भाग ले रहे हैं। इस दौरान हमें मास्टर बलवीर जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें स्वांग के बारे में बताया। हमारे हरियाणा की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले आदरणीय किशन लाल भाट जी ने सांग की शुरुआत की और उनके बाद पंडित दीपचंद जी, श्री बाजी भगत जी, पंडित लक्ष्मीचंद जी, मांगे राम जी, श्री धनपत सिंह जी, रामकिशन व्यास जी आदि आदि कवियों द्वारा ये सांग का मंचन किया जा रहा है, जो परंपरा आज तक भी चली आ रही है। ये कि ये सांग होता क्या है? देखो बच्चों, सांग का शाब्दिक अर्थ स्वांग है और स्वांग उसे कहते हैं किसी भी कहानी को, किसी भी नाटक को मंचन के द्वारा हूबहू करके दिखाया जाए, उसे स्वांग कहते हैं। और हमारी हरियाणवी बोली के अंदर इस स्वांग को सांग के नाम से जाना जाता है। ये सांग में क्या क्या होता है? देखो बेटे, सांग के अंदर सबसे पहले गायन, वादन और नृत्य यानी कि नाचना, ये तीनों चीज़ बराबर चलती हैं। और इसमें जो मेन भूमिका होती है हीरोइन की, वो भी पुरुष करता है। और उसके साथ साथ इसकी गायन शैली, इसकी पद्धति एक अलग तरह की होती है, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। और सांग के अंदर सातों रसों का समावेश होता है, जैसे भक्ति रस है, वीर रस है, काव्य रस है, हास्य रस है, वियोग रस है और रसों का राजा श्रृंगार रस भी है। इससे सांग बहुत लोकप्रिय बन जाता है। मैं बलबीर शर्मा देवणिया लगभग 25 वर्षों से इस सांग की कला से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने गुरुजियों के सानिध्य में रह करके सांग कला को सीखा है और खुद भी सांगों का मंचन किया है। तो सांग में अलग अलग सांगी की, अलग अलग कवि की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। जैसे पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम के सांगों में डोली का महत्व है। अब डोली का एक अंग आपको सुनाते हैं, ले सुनिए। कदम भरूंगा और गहरा के दुख दूर करूंगा, जीऊंगा इतने तेरे लाड कर लियो। आए बेबे, तो क्या तरोन लग रही है? अरे भाई, तो कौन है मेरी बीवी तने पूछनी है? बेबे, मैं तो तेरे धर्म का भाई यार, तो मेरे एक बात सुन दे। सुना दे भाई। ये रोने आई क्यों रोवे, के बेपता पड़गी तेरे मैं, और गहरा के दुख दूर करनिया you
हाँ तो सुधरो दास्तान कहां का पेश किया जाता है? उज्जैन शहर के बीच में कौन राजा वीर विक्रमादित्य इतराज क्या करते थे? एक बात का जिक्र है, अशोक के मानस रोड ताल पर अकाल पड़ जाता है और हंस अपने मानस रोड ताल को छोड़कर राजा वीर विक्रमादित्य के राज्य में आते हैं और मौर्य से मिलते हैं। तो सुधरो यहीं से काम शुरू होता है जिसका नाम है राजा वीर विक्रमादित्य खंडे। जमा देसी चरता जमा खोप